मेरे सामने खड़े यीशु की परीक्षा करके क्षमा करके छोड़ने वाले या क्रूसवार को दंड देने वाले हमारे हेरोद महाराज, लेकिन उन्होंने जब से यूहन्न बपतिस्ता का सिर काटने की आज्ञा दी तब से अपराधियों को दंड देना छोड़ दिया है। इस अपराधी यीशु के मामले की जांच मुझे करने का हुक्म दिया है। उन्होंने यीशु की कार्यवाहियों को सुन चुका हूँ, इतना ही नहीं महायाजक केफस के दिए गए दंड को सुन चुका हूँ, लेकिन फैसला सुनाने के पहले यीशु के अपराधों का विवरण मैं स्वयं जानना चाहूँगा। इसका पूरा सुनाने के लिए मैं केफस से अनुरोध करता हूँ। योग्य पिलातुस को इस प्रधान याजक का अभिवादन स्वीकार हो। यीशु धर्मद्रोही है, समस्त भूमंडल भूतल जल थल के सृष्टिकर्ता, सूर्य चंद्र को प्रकाशित करने वाले, मिट्टी से मनुष्य का निर्माण करने वाले और लय प्रलय की शक्ति रखने वाले ईश्वर का अपने आप को पुत्र कहते हैं। धर्मशास्त्र का विरोध करने वाले, प्रजा को बहकाने वाले और धर्म का सर्वनाश चाहने वाले यीशु है। क्या आप सबूत पेश कर सकते हैं? क्यों नहीं, हजारों सबूत है। यहू राज्य प्रतिनिधि पिलातुस की सेवा में एक सबूत पेश करो। राज्य प्रतिनिधि पिलातुस को प्रणाम। ये धर्मद्रोही है, मूसा नबी का धर्म पुराना है, उसको नष्ट करके किसी नए धर्म की बात करके प्रजा को अपनी ओर खींचते हैं। यानी अगर पिता के हाथों से लगाए गए पेड़ों से फल हासिल ना हो तो उसको काटने वाला कुपुत्री होता है, तो लायक और सुपुत्र भी तो हो सकता है ना? ये आपके विचार होंगे, लेकिन क्या परमेश्वर के महान मंदिर को तोड़ 3 दिनों में यूं ही बना दूंगा? ये साहस करने वाले इस द्रोही को सर्वशक्तिमान उस परम पूज्य परमेश्वर के प्रतिनिधि हम लोग, यह सच्चे दिल से ईश्वर को मानने वाले ये सब लायक नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं ईश्वर के क्रोध को ज्वाला में जलकर राख होंगे। सारी बातों को किसी और ढंग से भी तो सोच सकते हैं ना? इस सारी बातों को हम लोग भी तो किसी और ढंग से सोच सकते हैं ना राज्य प्रतिनिधि? रोम राज्य प्रतिनिधि, ये हमारी धर्म समस्या है, हमारी भावनाओं का आदर करेंगे, ये हमारी आशा है। महायाजक अन्नस, हम रोम के निवासी यहूदियों पर शासन भी करते हैं। हमारे विधान के अनुसार प्रजा के सभी धर्म को गौरव देना हम अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं। यदि इन्होंने कोई कसूर किया, धर्म के नियमों को तोड़ धर्मद्रोह किया, तो अपने धर्म से बाहर निकालने का अधिकार आपको है, परंतु एक निरापराधी को मृत्यु देने का अधिकार मुझे नहीं। आपसे भूल हो गई प्रतिनिधि, अपराधी धर्मद्रोही नहीं राज्यद्रोही भी है। सर्वशक्तिमान रोम साम्राज्य को नष्ट करने के वास्ते लोगों को खूब भड़काते हैं, विद्रोह फैलाते हैं, जनता को क्रांति का पाठ पढ़ाने वाले वो सचमुच राज्यद्रोही है। सबूत जफ्तार, ये सच है। ये सब लोगों से बोलते कि कैसर हमारा राजा नहीं, खुद को राजा कहकर कर देने से मना कर लोगों से भड़काते, ये अपने कानों से सुन चुका हूँ। हर पत्थर फेंकने वाले व्यक्ति को राजद्रोही ना कहो, फूल फेंकने वाले हर व्यक्ति को राजव्यक्ति ना कहो। लेकिन यहूदियों का राजा खुद को कहकर राज्य स्थापित करने वाले निस्संदेह राजभक्त नहीं किंतु राज्यद्रोही अवश्य है। पूज्यवर, तुम पर जो दोष लगाए गए हैं वे सब सच हैं? तुम यहूदियों का माने क्या राज्य स्थापना करने का विचार है? मेरा राज्य और है, राज्य की स्थापना और है। कौन सा राज्य है? तो नीति, न्याय और समान भाव जहाँ कहीं भी हो वैसा ही राज्य मैं चाहता हूँ। कौन स्थापक होगा? मुझे प्रेम करने वाले। अच्छा, यहूदियों के रखवाले मसीह हो, ख्रिस्त तुम ही हो क्या? मैं कहूँ तो विश्वास ना होगा, लेकिन भविष्य में मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाई ओर
बैठे हुए आप सब लोग देखेंगे। यानी तुम ईश्वर के पुत्र हो, आपने कह दिया। समझ गए ना राज्य प्रतिनिधि, हमारी बात पर विश्वास ना हुआ, उन्होंने जो कहा उस पर विश्वास है, खुद बोलते हैं, इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए। हम नहीं मानेंगे, वो राजद्रोही है, धर्मद्रोही है, प्रजाद्रोही है, मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। पूज्यवर, तुम्हारी खामोशी से मैं बिल्कुल लाचार हो गया हूँ, तुम बोलोगे नहीं तो मैं किस प्रकार तुम्हारी सहायता करूंगा, बोलो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं या ऐसे खामोश होकर तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? जांच पड़ताल करने के बाद ये यीशु मुझको तो निर्दोष मालूम होता है, मुझको नहीं हेरोद राजा को भी यीशु में कोई दोष नहीं मिला, इसलिए फैसले के वास्ते मेरे पास भेज दिया है। ठीक है, यीशु की बात से परेशान हो आप लोग, इसे अपराधी सिद्ध करने के लिए तुले हैं, मैं आप लोगों की खुशी के लिए इसे कोड़े लगाने का हुक्म देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। इकतीस, बत्तीस, तैतीस, चौतीस, पैंतीस, छत्तीस, सैंतीस, अड़तीस, उनचालीस। यहूदियों के राजा प्रणाम। थू इस दारुण हिंसाकांड को देखकर अब आप लोगों का मन ठंडा हो गया होगा। नहीं नहीं, ये क्रूस पर चढ़ेगा तभी हमारे मन की आग बुझेगी। यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। ठीक है, तुम लोगों की बात मानकर मृत्युदंड मैंने दे दिया, लेकिन इस पास्का पर्व पर कोई एक मृत्युदंड रद्द करने का पूरा हक मुझको है, ये तुम लोग जानते हो, इसलिए आज उसी का प्रयोग कर यीशु को क्षमा प्रदान कर मुक्त करता हूँ। वो नहीं, आप चाहते हैं तो अधिकार प्रयोग कर बराबस को मुक्त कीजिए। अवश्य, बराबस को छोड़ दो, यीशु को क्रूस दो, बराबस को छोड़ दो, यीशु को क्रूस दो, बराबस को छोड़ दो, यीशु को क्रूस दो, बराबस को छोड़ दो, यीशु को क्रूस दो। बराबस विद्रोहियों का नेता, खूनी और राज्यद्रोही है, उसे छोड़कर प्रजा के दिलों के राजा यीशु को क्रूस पर चढ़ा दूं क्या? प्रजा के दिलों का राजा नहीं है वो, कैसर को ही राजा मानते हैं हम। यीशु के क्रूस पर चढ़ाइए, बराबस को छोड़ दीजिए। बराबस को छोड़ दो, बराबस को छोड़ दो, बराबस को छोड़ दो, बराबस को छोड़ दो। प्रजा की बात न मानकर राज्यद्रोही यीशु को छोड़ दिया तो ये शिकायत लेकर हम कैसर के पास पहुंचेंगे। प्रजा की बात मानकर यीशु को क्रूस पर चढ़ा दे।
इस पाप से मैं अपने बाल बच्चों सहित मुक्त होता हूं। वो पाप हमारे बच्चों पर पड़ने दो, यीशु को क्रूस 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 दो। रोम के चक्रवर्ती राजा प्रतिनिधि के रूप में यहूदी राज्य पर शासन करने वाला पिलातुस, मैं आज सर्वसम्मति से नाजरेत निवासी इस यीशु को यहूदी धर्म मंडली के फैसले पर अमल करने के वास्ते में अभी क्रूस पर चढ़ाने का फरमान जारी करता हूँ। प्रेम की प्रभु, प्रेम की अनंत प्रेम की तौल नहीं, प्रेम की प्रभु, प्रेम की अनंत प्रेम की सीमा नहीं, ईश प्रेम की प्रभु, प्रेम की अनंत प्रेम की। मसीहा मेरे खुदा, तू माफ करना मेरी खता। ऐ मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू माफ करना मेरी खता। सिर पर सूली ढोकर तू चला, पीड़ाए तूने सही, पर मैं ना कुछ कर सकी। कांटों का ताज सिर पर सूली ढोकर तू चला, पीड़ाए तूने सही, पर मैं ना कुछ कर सकी। जाना है दूर तुझे, कलवारी चढ़ना तुझे, थकते कदम है तेरे, फिर भी है चलना।
अब जीता हूँ मैं, दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं, इस राग तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन से अब जीता हूँ मैं। अब्बा पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। हाथों सौंपता हूँ।